चार शेड्स हुए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने सियासी गर्मी को और भी तेज कर दिया है। राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में काफी कुछ बदल गया है। जब बीजेपी के नेता कांग्रेस में है तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में है, ऐसे में सियासी उलटफेर में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। चूरू लोकसभा सीट पर कुछ ऐसी ही राजनीति देखने को मिल रही है। जब कांग्रेस से राहुल कस्वा मैदान में है तो वहीं बीजेपी की ओर से देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल कस्वा और राजेंद्र सिंह राठौर की अदावत जग जाहिर है। हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने राहुल कस्वा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मैंने तो इस देश के लिए 20 साल सेवा कर 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मान, खेल के प्रतिष्ठा पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान पाए, लेकिन उनको तो SDM ने भी सम्मानित नहीं किया। वह तो जाति की बात करेंगे और उनके पास है क्या? सुने देवेंद्र झाझड़िया ने क्या कुछ। आजकल के चुनाव प्रचार करके बड़ो लेट पूछूंगा तो एक दिन 1:30-2 बजे पूछो तो धर्मपत्नी जागती बैठी, बोली एक बात पूछनी है। तो मैं कभी पूरे दिन मन पूछा ही हलो दो पूछ। बोले झाझड़िया कौन सी विरोधी मामे जाता मामे कौन मन तो या बता। मैं बोले अब के बोलो आगे के बोलो बोल पोस्ट देखू हूं रू हिसाब घराना कोई गलत जगह तो नहीं ब्याह दी है मैंने। तो मैं एक किताब निकाली, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली में, उनकी एक किताब भी हूं या लिख रखी देश का आपने समाज का कितने 25 जो फेमस लोग हैं प्रसिद्ध लोग हैं उनकी लिस्ट ही फोटो साथ में। तो मेरे 4 नंबर पर नाम हो मैं बात दिखाई मैं बोल देख भाई मैं वही बिरादरी हूं। अरे जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में चम्मच नहीं जीती वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पे सवाल उठा रहा है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? यह जवाब आप ही दे सकते हो। अरे जिस व्यक्ति ने 5-5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं जिसको देश का मान सम्मान बढ़ाने पे, और जिसको SDM ने नहीं सम्मानित किया वो उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है भाई। ये तो काबिलियत है, आप लोगों की दुआएं थी मेरे प्रति। मैं तो विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूं और वो किस किस चीज के नाम पे वोट मांग रहा है मैं आपको बताइए। एक बार बता दे वो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की हम ये करवाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में, और हम कहते हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब देवेंद्र झाझड़िया पर राहुल कस्वा ने पलटवार किया है। चूरू लोकसभा क्षेत्र के सृजनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने विधानसभा क्षेत्र के गाँव में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा टिकट जनता के हाथों में होती है, इसलिए आप आने वाली 19 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। वहीं उन्होंने राजेंद्र राठौर और देवेंद्र झाझड़िया पर हमला बोलते हुए कहा मैंने अब तक कोई चम्मच भी नहीं जीती और ना ही कोई SDM से सम्मानित हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए जो मुझे मिलता दिख रहा है। सुनिए राहुल कस्वा ने क्या पूछा। डॉक्टर कंडी लेके 2 दिन बाद आपने सारा घर का ले गया, पार्टी वाला भी लेके खाज है गणेश जी बताओ हाथ को नहीं खाज पक्की है और खाज होते के साथ ही मेरे नाम लगा लो। अब छोड़ दो मैं तुमको थो भी कोई राजनीति में उस पहले मैं 9 में भी कौन था और काका के इतना भारी वजन सब बैठे अपन वजन हल्को करना पड़ेगा। ठाकुर ये क्या है कि चूरू जिले में नहीं ऐसे सिखावटी बेल्ट में कोई नेता बने हो तो मैं ही तो बनायो। मेरे तो बड़ी फोर्स क्या है मेरी मूर्ति तो मेरी फोटो लगा के तो विधायक चूरू को बन गए हो, इसका विधायक बन गयो मतलब कि मारे बहन पाड़ा की जनता बनाओ है का क्या बहन पाड़ी की मैं बनाऊ तो ये के वजन तो है को कम करो कर्ष को तो फिर मारी साधना क्योंकि ये नेता मार नेता ही है। कस्बा ने राजेंद्र राठौर का नाम लिए बिना कहा काका एक आदमी कोई फैसला नहीं ले सकता, यह हमने अपने परिवार पर छोड़ा है। 2014 में मेरे पिताजी की टिकट कटवाई और अब मेरी टिकट कटवाई। खैर ये जाहिर हो गया है कि ये मुकाबला अब देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कस्वा के बीच नहीं बल्कि राजेंद्र राठौर और राहुल कस्वा के बीच का है। इस खबर पर आपकी क्या राय, आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।